अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर फ़ारूक और मैं आप लोगों को अपने चैनल पर खुश आमदीद करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके के ज़रिए डोपाफर फैक्स में लोअर थर्ड्स पर लेंस फ्लेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरी जो दो पिछली वीडियोज़ हैं उनको नहीं देखा तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं उन पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख लीजिए और जानिए कि आप लोग किस तरीके के ज़रिए डोपाफर फैक्स में लोअर थर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ये भी जान सकेंगे कि आप लोग किस तरीके के ज़रिए डोपाफर फैक्स में लेंस फ्लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग अभी कभी मुझे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। इसके अलावा आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैं आप लोगों को वीडियोज़ के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देता रहूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमने ऑप्टिकल फ्लेयर को अनहाइड से हाइड कर देना है और इसको करने के बाद ये करेंगे कि जो लेंस फ्लेयर वीडियो है उसको हम सबसे ऊपर वाली लेयर में पेस्ट कर देंगे। ऊपर वाली लेयर में लेंस फ्लेयर को पेस्ट करने के बाद मोड को नॉर्मल से ऐड कर देंगे और फिर ईज एड टूल्स में टिंट इफेक्ट अप्लाई कर देंगे लेंस फ्लेयर इफेक्ट्स पे। कलर्स लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट कंट्रोल्स कलर में जाके टॉगल व्यूअर ला कर देंगे। और फिर लेंस फ्लेयर में इफेक्ट्स ओपन करेंगे, टिंट ओपन करेंगे, टिंट इफेक्ट ओपन करेंगे, मैप वाइट टू की प्रॉपर्टी पिक वाइप को कलर्स के साथ मर्ज कर देंगे। और इसको मर्ज करने के बाद टॉगल व्यूअर अनलॉक करेंगे। इस सब के बाद हम लोग ये करेंगे कि लेंस फ्लेयर का जो स्केल है उसको छोटा करेंगे या कम करेंगे। स्केल छोटा करने के बाद जो प्ले पॉइंट है उसको हम 5 सेकंड पे रख देंगे और इसको ड्रैग करके थोड़ा सा साइड पर ले आएंगे यहाँ पर। इसके बाद हम लोग पेन टूल की मदद से एक लाइन ड्रा करेंगे, जिसको ड्रा करने के बाद या ड्रा करने से जो लेंस फ्लेयर है वो मूव करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या एक कोने से दूसरे कोने तक। इसको ड्रा करने के बाद 5 सेकंड्स पे लेंस प्लेयर में पोजीशन और स्केल तो नहीं बल्कि पोजीशन और ओपेसिटी को वाई टाइम पे क्लिक करेंगे। ओपेसिटी 100 से 0 करेंगे और फिर 5.5 सेकंड्स पे ले जा के प्लेयर पॉइंट को या प्ले पॉइंटर को पोजीशन थोड़ी सी आगे करेंगे और ओपेसिटी 0 से 100 करेंगे। इसके बाद 11 सेकंड्स पे जाएंगे वहां पर जाने के बाद पोजीशन को लेंस फ्लेयर की एंड तक ले जाएंगे, थोड़ा सा पीछे एंड से थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे और तकरीबन यहाँ पर रखेंगे और फिर 11.5 या 11.4 सेकंड्स पे पोजीशन को एंड तक ले जाएंगे और ओपेसिटी को 0% करेंगे 100 से। और ये आप लोग आप देख सकते हैं कि लेंस फ्लेयर जो है
वो किस तरीके के ज़रिए मूव कर रही है लोअर थर्ड्स पर, और अब आप लोग इसको भी देख लीजिए और फैसला कर लीजिए कि आप लोग ऑप्टिकल फ्लेयर को इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर लेंस फ्लेयर को लोअर थर्ड पर। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अभी कभी उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।